गलत दर्जे का बिगड़ा हुआ बच्चा है ये। माँ खुद तो भाग गई घर से, इस मुसीबत को मेरे गले में डाल गई है। अरे पहले तो बाद में करनी थी, अब जल्दी करूंगा शादी, देखता हूँ क्या बिगाड़ लेगा मेरा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आप सब? सच है, क्या हुआ नानू, यहाँ क्यों खड़ी हैं? आदिल ने कहा था जल्दी आ जाएगा, 10 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया है। तो हो सकता है कोई मसला हो गया हो, आ जाएंगे, शायद उन्होंने भाभी को फोन कर दिया, मैं पूछ कर आती हूँ। वो बाहर गई हुई थी, आ गई है क्या? हाँ अभी बस थोड़ी देर हुई है, मैं पूछ कर आती हूँ, आप परेशान मत हो, आ जाओ। हेलो जी, क्या आसिया? आसिया भाभी, क्या हुआ? भाई से कोई बात हुई आपकी? कोई इतला दी उन्होंने कि कब आएंगे? तुम्हारे भाई ने कभी मुझे फोन किया जो अब करेंगे? वो तो हर बात नानी को ही बताते हैं। नहीं नानी से कोई बात नहीं है उनकी। तुम क्यों मेरे मैके ना जाने के गम में इतना निठाल हुए जा रही हो? बहुत फिकर है मेरी। नानू ने पूछा था तो इसीलिए वो परेशान हो रही थी। अपनी नानों से जाके कह दो कि उनके लाड साहब जो है ना, उनकी मसरूफियत कभी भी खत्म नहीं होगी। घर और बच्चे के लिए एक मुलाजमा चाहिए थी, सो मिल गई। ये लो पकड़ो, आसिया से कहना इसे प्रेस करके मेरे कमरे में दे दे। निदा, जुनैरा, इधर आओ जल्दी। भाई कैसे हैं? वो ठीक है? कि कहाँ है वो? देखिए उनका ऑपरेशन हो रहा है, आप लोग तशरीफ रखें और दुआ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दुआ तो कर रहे हैं हम, दुआ कर रहे हैं ना भाभी, लेकिन मुझे ये बताएं वो ठीक हो जाएंगे ना? ठीक हो जाएंगे, कह तो रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है। चलो तुम बैठो वरना मुझे भी टेंशन हो रही है, इधर आओ बैठिए। मुझे डर लग रहा है, भाई ठीक हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक ये सब कुछ। रोना तो बंद करो, मुझे भी टेंशन हो रहा है बहुत ज्यादा। बोला तो है ठीक हो जाएंगे। मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा कि मेरा आदिल कैसा है? मुझे ले चलो उसके पास अभी के अभी। हम अभी बात किए नहीं, उनका ऑपरेशन हो रहा है। ये तुम्हारी बदमाश, तुम हर वक्त उसे कोसती रहती थी। नानू, मेरी बद्दुआएं कभी मुझे तो नहीं लगी, तो फिर उनको क्यों लगी? अच्छा आप उनके लिए दुआ करें। मेरा अल्लाह उसे अपने हिस्सों में रखे। अल्लाह तेरा शुक्र है।
जुनैरा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आदिल अब खतरे से बाहर है, सुबह रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर हम उनसे मिल सकते हैं। तुम क्यों रोने लगी? खुशी की बात सुनकर तो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और तुम फिर से रोना शुरू हो गई। अच्छा चुप कर जाओ, आप तो ठीक हो गए ना, तुम्हारे भाई भाई ठीक हो जाएंगे ना, वो जल्दी से हमारे साथ घर चलेंगे ना। मैं नानू को इन्फॉर्म कर दूँ ना, आपका फोन कहाँ है? नानू, नानू सुनहरा आप ही से बात हुई, आदिल भाई बिल्कुल खतरे से बाहर है और रूम में शिफ्ट कर दिया उनको। शुक्र है मेरे पाक परवरदिगार, तेरा लाख एहसान है, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा तूने। तुम क्यों रो रही हो उसके ठीक होने पर? नानू वो मेरे भी भाई हैं, मेरा भी दिल दुखा है, और वो क्यों करते हैं हमारे साथ इतनी ज्यादतियाँ? मुझे कोई शौक तो नहीं है ना उन्हें बुरा भला कहने का। मैं शुक्राने के दो नफिल पढ़ूँ फिर हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? वालेकुम सलाम। कैसे हो बच्चे? ठीक हूँ। कैसा जर्द चेहरा हो रहा है तुम्हारा? कोई जर्द नहीं हुआ है नानी जान, ठीक ठाक हूँ। अरे तुम लोग क्या मजमा लगा कर आ गए हो जैसे कोई मरने वाला है? अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन, क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हो? और बेटा अपनी जान की थोड़ी परवाह भी कर लिया करो। नानी फोर्सेस का आदमी हूँ, छुप कर मुकाबला नहीं कर सकता, वैसे भी बच्चे की बाजियाबी का केस था। हाँ इससे पहले भी एक बाजियाबी के चक्कर में तुमने हाथ में गोली लगवाई थी, और अब ये जो इतनी गाड़ी भरकर लोगों की तुम ले जाते हो वो किस लिए होते? उनके घर वाले नहीं होते क्या? कमाल करते हैं आप भी नानी, फहद का नजर नहीं आ रहा। फहद परेशान हो जाता आपको ऐसे देख कर, तो इसीलिए मैंने कहा उसे घर पे रहने दें, आसिया है उसका ख्याल रखने के लिए। तुम लोग ना उसे डरपोक ही बनाना, बहादुर ना बनने देना। अच्छा जाओ तुम सब। नहीं मैं यहीं रहूंगी। कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे, मैं एक दो रोज में घर आ जाऊंगा, और वैसे भी अभी मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, जाओ तुम। और दोबारा आने की जरूरत नहीं है किसी को, अगर मुझे किसी की जरूरत होगी तो मैं उसे बुलवा लूंगा। अल्लाह हाफिज। खबर कैसे हुआ? कल शाम की बात है, किसी बच्चे को अगवा करने का केस था, अगवाकारों ने फायरिंग कर दी। बहुत अफसोस हो मुझे, फोर्सेस की जॉब बहुत सख्त होती है, बहुत टफ लाइफ गुजारते हैं। हाँ ये तो है, और शायद भाई इसीलिए उसूल पसंद और सख्त मिजाज हो गए। अच्छा खैर तुम बताओ आप ही वाला मसला हल हुआ? लड़की का नंबर ही नहीं मिल रहा। अजीब बेहस लड़की, शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी, मुझे तो लगता है यकीनन दौलत का ही चक्कर होगा। संगीत अच्छा सुनो, जब तुम जाओ ना तो मुझे जरूर बता। ठीक है मैं बताता हूँ। ओके लास्ट।
पापी की कॉल आ रही है, कोई ऐसी क्यों लग रही है मुझे तो? मैंने उठाया भी तो सोनी यार वो बेचारी। तुमने मेरा फोन काट दिया, लईक रजा का फोन काट दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया सुनहरा। ये लीजिए आपका जूस। मैंने मांगा तुमसे। क्या हुआ है? ये हुआ, हानिया कहाँ जा रही हो बेटा? वो हॉस्पिटल जा रही हूँ भाई के पास। आदिल ने मना किया था ना हॉस्पिटल आने से, तुम्हें भाई को नाराज करना जरूरी है? नानो वो मेरी दोस्त है ना फारा, मैंने बताया था आपको, उसका भी कोई भाई नहीं है। जब मैंने उसे भाई का बताया ना तो उसे रहा नहीं गया, इसीलिए वो भाई की आदत के लिए हॉस्पिटल आ रही है। तो मैंने सोचा कि वो अकेले, बस इसीलिए जा रही थी मैं। हानिया उसे इतनी जल्दी क्या है, आदिल खैर से कल वापस आ जाएगा तो यहाँ आ जाए। नानो उसने इतने प्यार से कहा, मुझसे मना ही नहीं किया गया। जल्दी आ जाऊंगी ना प्लीज, अभी लेट हो रही हूँ। अल्लाह। इन लोगों का जोर सिर्फ मुझ पे चलता है। काम बहुत ज्यादा नहीं आ सके, मैं और फारा आ गए। भाई खफा तो नहीं होंगे? वो क्यों खफा होंगे? हाँ अच्छा, वो भाई के कुछ गेस्ट आए हैं, आप लोग सिर्फ 2 मिनट दें, मैं भाई को बताकर आती हूँ। ठीक है तुम जाओ बता दो। श्योर तुम बता दो। मना किया था ना मैंने, क्या जरूरी काम पड़ गया, क्यों आई? भाई वो मेरी दोस्त आपके आदत के लिए आई है, एक्चुअली वो पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती है तो इसीलिए मैं भी आ गई। अकेली लड़की को भेज दिया घर वालों ने, जरा एहसास नहीं? नहीं नहीं वो अपने भाई के साथ आई है। शहर में जो 2-4 लोग रह गए उन्हें भी बता देते, वो भी आ जाते हैं आदत के लिए। भाई वो आपकी आयादत के लिए आई है।
प्लीज खफा मत होइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई ये मेरी दोस्त है फारा। अब कैसी है आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ। छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। ये मेरे भाई समीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसे हमें आपके और इस डिपार्टमेंट बहुत फख्र है। आप लोगों की वजह से हम घरों पर महफूज हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज बैठिए। हानिया उनको पानी वगैरह पूछ। जी आप बैठो। समीर क्या करते हैं? अपने बिजनेस है। अच्छा कैसा चल रहा है आजकल बिजनेस? बिल्कुल ठीक ठाक। हालात वगैरह की वजह से फिट तो नहीं होते? वैसे तुम तो कह रहे थे कि उसका भाई ऐसा है वैसा है, अब बड़ी तारीफ ही करने लगे। खैरियत? हानिया ने कहा था, अब सब बहनों को अपना भाई खड़ूस लगते हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर? कभी कोई बहन अपने भाई की तारीफ नहीं करती। सही तो कहती है। मैंने भी तुम्हें एक काम करने के लिए कहा था, सिर्फ एक काम, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। तुम्हारी उस दिन की हरकत की वजह से ना अभी तक लाइक अपसेट है, अभी भी गुस्से में है वो। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्हें सुधरने का कहा था। अब उन्हें सच कड़वा लग गया तो मैं क्या करूं? मेरी एक बात सुनो। एक मेरे शौहर हैं, मेरी बेटी के बाप हैं, मोहब्बत करती हूं उनसे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। तुम भाई हो ना मेरे, तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर निकालने का कहा था, वो तक तो हुआ नहीं आपसे। बढ़िया ही शोहर से मोहब्बत करने वाली। तुम्हें कौन सी जबान में समझाऊंगी? उन्होंने पासवर्ड लगा लिया, कैसे निकालूं? तुम जो औरतों की समझ नहीं आती, अपना घर भी बचाना है और अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठानी। तुम शोहरों को इतनी ढील दोगी, अंजाम तो यही होगा ना? सही कह रहे हो। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन तुमसे पूछूंगी। बल्कि तुमसे क्या, तुम्हारी बीवी से पूछूंगी। हाँ कुछ अच्छी खबर आएगी, देख लेंगे। सच आप ये अगर आप देखती ना तो वाकई हैरान रह जाती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये अपने ही आदिल भाई है ना, इतने मीठे लहजे में बात कर रहे थे कि क्या बताऊं। पता ये बहुत अच्छी बात है। अब तुम समीर से कहो बिल्कुल देर ना करे, अपनी आपी से कहे कि रिश्ता लेकर आ जाए। वो तो ठीक है, लेकिन आदिल भाई ये तो नहीं बोलेंगे कि पहले आपका रिश्ता होना चाहिए था? नहीं, पता है क्या, आदिल भाई को अगर कोई पसंद आ जाए तो उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। हाँ अगर ऐसा कुछ कहा तो। तुम्हें संभाल लेंगे, तुम बस परेशान मत हो। आप बहुत अच्छे। बस मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती, बहुत खुश, खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। एक तो ये एडिटर साहब ना, पता नहीं क्या मसला है, हर वक्त फोन करते रहते हैं। इससे पहले कब कॉल आई थी? मैं जब हॉस्पिटल में थी ना तब भी फोन किए जा रहे।
और मुसलसल उसके बाद भी फोन कर रहे हैं। यानी क्या मसला है इनके साथ? ये लें बात करें, इनसे पूछें। अच्छा ठीक है, मैं किचन में सूप रख के आई थी भाई के लिए, आज हॉस्पिटल लेके जाना है ना, तुम एक काम करो वो देख लो, मैं बात कर लेती हूँ। अच्छा मैं देखती हूँ। जब मैं आपसे बात नहीं करना चाहती तो आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। ओ, यानी के लाइक रजा को इनकार। मुझे आज तक किसी ने इनकार नहीं किया और तुमने तो मेरा हाथ झटका है मैडम सुनहरा। मैं आसानी से माफ नहीं करूंगा। मेरी बात तुम्हें सुननी तो पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा खैरियत से घर वापस आ गया। अली शेर से कहना कि सदके का बकरा ले आए और भाई के लिए गरम गरम सूप ले आओ। मैंने हानिया से कहा है, वो भी लेके आती ही होगी। हाँ महा परेशान हो रहे हैं आप लोग, ठीक हूँ मैं। 3 दिन से मैं सोई नहीं और आप कह रहे हैं बिलावजह परेशान हो रहे हैं। आप जानते हैं अपन ने कितनी कॉल्स की आपके लिए? ऐसे शोर डाल दिया सबने। आए थे हॉस्पिटल में। बात यहाँ मेरे पास, यहाँ सुनहरा लेके आओ। मैं लेकर आता हूँ, मेरा बेटा है ना, मेरी बात मानने का। यहाँ आओ फहद, इधर आओ। यहाँ मेरे पास। क्या बात है, पापा के पास नहीं आना? मेरा भाई तो कहता आपको माफ कर दे, आपने मुझे मारा था ना, आपको भी चोट लग गई। ये आपसे किसने कहा? मेरी मम्मी ने बताया था, कोई किसी को मारता है तो अल्लाह ताला उसे भी मारता है। चलो जाओ जाते थे। मेरी दोस्ती का हरगिज ये मतलब नहीं था जो आप समझे। मुझे इतना आगे लाके आप कैसे इग्नोर कर सकती हैं? मेरा पीछे हटना मुमकिन नहीं है,
मैं वाकई आपसे बेहद मोहब्बत करने लगा हूँ। आगे ला के क्या मतलब आपका इस बात का? आखिर मैंने आपसे ऐसे कौन से वादे किए जिसकी आप मुझे सजा देना चाहते? देखिए सुनहरा, मेरे बुलाने पर आ जाना, मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करना, ये वादे कसमें नहीं तो और क्या है? सर आपको समझने में मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मुश्किल आ गई, खुदा के लिए इनमें मजीद इजाफा मत करें। माय डियर, मैं तुम्हें अपना कर तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म करना चाहता हूँ। नहीं साहब, मैं आपको पहले ही बता चुकी, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं, इसलिए इस किस्म की बेहूदा और फजूल गुफ्तगू से परहेज करें। तो आपको नया फोन चाहिए, मैं आज ही भिजवा देता हूँ, डोंट वरी। मैंने हरगिज़ नहीं कहा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। आप समझ क्यों नहीं आती, आप पे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है भी या नहीं? हेलो जना, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लफ्ज याद रखना मैं सुनहरा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट ही है जो अब मजबूर कर रही है मुझे। आज तक किसी ने इग्नोर नहीं किया, और तुम एक छोटी सी चींटी मुझे लाइक रसा को इग्नोर करेगी? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या काम है? क्या बात है, अगर मुझे कोई काम होगा मैं तभी आपके पास आ सकती हूँ। वैसे आज काफी दिन बाद आ गए थे खुद चलकर ऑफिस में, कितना अच्छा लग रहा था ना। अल्लाह के जल्दी से उनकी स्ट्रीट पे छूट गए। आप भी, आपने अपने नानू से बात की समीर के हवाले से? नहीं अभी नहीं, भाई की तबीयत थोड़ी और ठीक हो जाए फिर। वैसे आपको क्या लगता है, नानू को बुरा तो नहीं लगेगा ना? मेरा मतलब है उसकी फैमिली कास्ट। कुछ नहीं होगा। वैसे आप मुझे कब मिलवा रही हैं अपने समीर साहब से? मैं भी तो देखूं अपनी गुड़िया की पसंद। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं समीर को कहती हूँ कि आज ही मेरी बहन की खिदमत में हाजिर हो जाए। नहीं 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 नहीं, आज कभी नहीं कहा था। पहले आदिल भाई को ठीक होने दो, फिर नानों से बात करती हूँ, उनके कान में बात डालना भी जरूरी है ना। थैंक यू सो मच आपकी। ओके इसके बाद। अच्छा वैसे ही बताएं क्या सोच रही थी आप? सर आपने ये सारी चीजें चेक भी कर ली और फिर भी मुझे जाने नहीं दे रहे आदिल साहब से मिलने, मेहरबानी करके मुझे जाने दे। ए भाई, हमारे साहब को तोहफे तहफ पसंद नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ गुस्सा कर जाएंगे। भाई ये रिश्वत नहीं है, इतनी खुशी से लाया हूँ, उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के मेरे बच्चे को बाजियाब कराया है। भाई तुम्हारे कहने पे पूछ कर आए, उन्होंने मना कर दिया, क्यों धक्के खा के जाओगे? जाओ सर। कौन है अर्शद? ये वही बंदा है जिसके बच्चे को हमने बाजियाब कराया था। सर मैं वाकई में बहुत ममनून, बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपनी जान हथेली पे रख के मेरे बच्चे की जान बचाई। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है, आप जाइए अब। सर ये मैं बहुत खुशी से आपके लिए लाया हूँ, अगर आप ये रख लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। अच्छा ये रख लो, घर जाके बीवी बच्चों को दे देना। जी सर। आप लोगों की मोहब्बत की जरूरत हमारे इस तबके को, मेरी तनख्वाह अल्लाह का शुक्र है बहुत, आप जाइए अब। अच्छा सर, वो जो हमारे इलाके में बैंक डकैती हुई है उसके मुलजमान को सुराग मिल गया है। छह लोगों के सर पे ही दुनिया चल रही है। बैंक डकैती
हाँ अर्शद, बाजी ये आपके लिए। ये क्या है? मुझे नहीं पता, गेट पर कुरियर देकर गया था, आपका नाम था, मैं वहीं खड़ी थी। गेट कीपर ने मुझे कहा कि मैं आपको दे हूं। किसने दिया है? मुझे नहीं पता बाजी। अच्छा छोड़े, आप जाए। तो आपको नया फोन चाहिए, मैं आज ही भिजवा देता हूँ, डोंट वरी। बाजी, निधा बाजी के मेहमान आए थे, आप जरा किचन में आके देख लेना कि खाने में क्या बनेगा। आलिया बाहर टेरेस पे होगी, आप उससे बोलते वो देख लेंगे। अच्छा बाजी। आखिर तुम्हें मेरी याद आई कि मिल गई इस बार छुट्टियां। मैं आपको भूला ही कब, आपने इतनी जल्दी में शादी कर दी, क्या छिन गया था? बंदा थोड़ा सा इंतजार ही कर लेता है। इंतजार वहां किया जाता है जहां किसी के आने की उम्मीद। ऐसे मैं बहुत खुश हूं, तुम बताओ खैरियत से हो? मैं ठीक ठाक हूँ, यानी आपका इस ससुराल में दिल लग गया है। साहिर है भाई, दिल तो लगाना पड़ता है। ऐसे कितनी छुट्टियां लेकर आए हो? ये कोई 10-15 दिन। चाचा जान की तरफ गया था तो आदिल की तबीयत के बारे में मुझे पता चला था। कहाँ है आदिल? बिल्कुल तुम्हारी तरह, घर से पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से घर, मजा लें, कुछ भी हो जरा सा भी आराम करें, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये लीजिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल ये मेरे कजन है, अताय के बेटे। बताया था ना श्वेत के बारे में आपको? और आदिल बैठिए। थैंक यू। ये लो, ये भी रखो। चाय निकाल के दे। भाभी कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। नहीं। खासे ठीक हो गए आदिल, फिर भी इनके ससुराल की आनिया जानिया नहीं खत्म हो रही। रोज कोई ना कोई नमूना मुंह उठाकर आ जाता। और आप भी जरा कमरे से बाहर निकले, कुछ हेल्प करवा दिया करें मेरी, ये सब कुछ मेरे ही जिम्मे आएगा। क्या हुआ आप भी? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस हल्का सा जुकाम है। तो आपकी बेवक की टूटी ने बड़ा परेशान कर दी, हर वक्त बहती रहती है। हानी कभी तो खामा खामत बुला कर। अच्छा भाई चुप हो जाती हूँ। हानी हैं? थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे सकती हूँ मुझे? हाँ अच्छा, हाँ वो एडिटर साहब से भी बात करें। फोन्स करते हैं जिंदगी अजाब करके रखते, पकड़े बात करें। ये
मेरी तो उनसे बात हो गई थी, तो हो सकता है कोई और काम याद आ गया। अच्छा मैं छत पे जा रही हूँ, बात हो जाए तो परफॉर्म भिजवा दीजिए। क्या करूं सर काम, अगर नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो किसी और नंबर से फोन करने लगेंगे, फिर क्या जवाब दूंगी हानिया को। उफ, मुझे हानिया का नंबर देना ही नहीं चाहिए था। सर मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, आप रास्ते से खुद ही हट जाए, वरना मैं भाई को बता दूंगी और उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ।